हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। ओके, अपकमिंग डेज और अपकमिंग सिचुएशन के लिए हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। यह रीडिंग कंप्लीटली जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, तो आप ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनिएगा। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है और चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, ये रीडिंग आपके साथ मैच कर सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी व्यूअर्स, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट होगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने सालों बाद पहुंचे हों, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, जब भी आप इसे देख रहे हैं तभी आपसे मैच होगी। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो आप मिस कर पाए, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है। Divine, please guide us. Divine, please guide us. Ten of Swords, my God. हंसने की बात तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, माहौल को थोड़ा लाइट तो करना चाहिए ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैम आप पर्सनल रीडिंग करते हैं क्या। व्यूअर्स, अगर आप कमेंट्स में, जो लोग जानते हैं पहले से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं, लोगों की पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूं मैं। और मैं खुद भी बोल देती हूं व्यूअर्स, आई डू नॉट प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और इतना मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ और ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हूँ समय को कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ रीडिंग। ओके, और पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करने के लिए मैं चाहती हूँ मेरे पास समय हो और वो मैं समय स्पेशली आप लोगों को अच्छे से दे पाऊँ, और अभी मेरे पास इतना समय है ही नहीं। देखिए, मैं काफ़ी वीडियोस बनाकर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाकर आपको हेल्प करने की, आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ और ये कर पाती हूँ मैं, और इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकालती हूँ कि बस कैसे भी मैं, क्योंकि मुझे पसंद है टैरो रीडिंग करना। ओके, तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं रीडिंग को कि टेन ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड है हमारे। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की इतनी एनर्जी कैसे है बताइए, इतनी एनर्जी कैसे है सोर्ड्स की। चल क्या रहा है व्यूअर्स आपके जीवन में, ये क्या। ओके, स्ट्रेंथ, काफी दिनों बाद देखा मैंने ये कार्ड, क्लैरिफाई करती हूँ टेन ऑफ सोर्ड्स को, क्यों है यहाँ टेन ऑफ सोर्ड्स और आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। ओके ओके, व्हाट्स दिस, हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है डिवाइन प्लीज। ओके ओके, टावर, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये टावर का कार्ड जरूर आएगा। जब पहले मैंने आपसे कहा था ना कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, ओके, फिर मैंने आपसे दोबारा कहा था कि आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। जब मैंने बदलाव कहा था तब मुझे एक पिक्चर दिखाई दी थी टावर की, और ये टावर कार्ड है, मतलब टावर कार्ड की ही पिक्चर दिखाई दी थी और ये टावर कार्ड आ गया, समझ आया। काफी लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। ओके, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। काफी लोग जो हैं इंटरप्रेट करते हैं एज टावर कार्ड को एज समथिंग बैड। ओके, डिपेंड करता है सिचुएशन पर और रीडिंग पर भी कि कैसी एनर्जी मिल रही है और बाकी के कार्ड भी कैसे आए हैं, उसी के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन टावर कार्ड ऐसा इतना बुरा भी नहीं होता है, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, ओह माय गॉड, एनर्जी ऑफ टेक देखना चाहेंगे आप, ना दिखाऊं तो कैसे हो सकता है, वीडियो बन रहा है। टू ऑफ कप्स, खुश हो गए क्या, मन में लड्डू फूटा। चलिए ठीक है, अब बहुत हो गया मजाक, रीडिंग पर ध्यान देते हैं।
जो कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, द हाई प्रीस्टेस, टावर कार्ड, चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है? पहली बात तो ये व्यूअर्स कि मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने बैक स्टैब किया है, किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, किसी ने धोखाधड़ी कर दी है आपके साथ रिसेंट पास्ट में या पास्ट में। ओके, यहाँ पर आप यू नो काफी ब्रोकन महसूस कर रहे हो, काफी पेनफुल सिचुएशन में हो, काफी दर्द है आपके अंदर, काफी दुखी हो आप कहीं ना कहीं, और बैक स्टैब तो फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई अपने ही है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, कोई अपने ही है जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। यह ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि बदलाव जो आने वाला है आपकी लाइफ में वो ये है व्यूअर्स कि अब आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। आपने धोखे खा लिए, दर्द देख लिया, एक डार्क फेज देखा है, और अब आपकी लाइफ में, मैं कार्ड्स को अपने अकॉर्डिंग रख देती हूँ जिससे कि मुझे हेल्प हो, ओके, रीडिंग करने में आसानी होगी। जिस तरह से मैं इंटरप्रेट कर रही थी मुझे रीडिंग करने में आसानी होगी, नथिंग एल्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो भी पेन आपके व्यूअर्स जो भी पेन आपके जीवन में रहा, जो भी डार्क फेज, जो भी तकलीफ आपके जीवन में रही, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि अब टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सारी ऐसी चीजें आपके जीवन में जो आपको कुछ सर्व नहीं करती थी, न कोई खुशियां देती थी, न कोई सेटिस्फैक्शन था, ना कोई उम्मीद थी और ना कोई पॉजिटिविटी थी, ऐसी चीजें जो फेक थी, ओके, अनवांटेड थी, ओके, नॉट रिक्वायर्ड थी, ऐसी चीजें सब आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। अब चाहे वो लोग हों, चाहे आपके पैटर्न्स हों, और चाहे आपकी हैबिट्स हों, और चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो आपको कुछ अच्छा सर्व नहीं कर रही थी, आपके लिए अच्छी नहीं थी, वो आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएगी। फिर चाहे आपको उस एक्टिविटी को करने की कितनी ही आदत क्यों ना पड़ गई हो, चाहे एक ही पैटर्न में चलने की आपको कितनी भी आदत क्यों ना हो गई हो, या ऐसे लोग जो आपको पल पल दुख पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, फिर भी आप उनको बार बार अप्रोच करते हो, चाहे इस बात की ही आपको आदत क्यों ना पड़ गई हो, चाहे आपने इसमें अपना कम्फर्ट जोन क्यों ना ढूंढ लिया हो, लेकिन ये आपको अगर कुछ अच्छा सर्व नहीं करता है तो ये आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएगा। एंड द बिग थिंग इज कि आपको उसको रिलीज होने देना है। अगर यहाँ से कोई रूट के जाता है तो आपको जाने देना है, मनाना नहीं है, ऐसा हिसाब करना है कि आप रूठे तो हम छूटे, यानी कि आप हमसे गुस्सा होकर चले गए तो अच्छा है, हम ही फ्री हो गए, ओके? तो यहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएगी। एक डार्क फेज से निकलने के बाद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन और ऐसा टावर मोमेंट आना एक रिफ्रेशिंग वाइब देता है व्यूअर्स, इसको बुरा मत समझिए, एक रिफ्रेशिंग वाइब आने वाली है। इतना दर्द, इतनी डार्कनेस, इतना पेन, और उसके बाद सब कुछ उथल पुथल होकर एक न्यू शुरुआत, एक नई बिगिनिंग, ये सुनने में ही इतना रिफ्रेशिंग है तो एक्सपीरियंस करने में कितना रिफ्रेशिंग होगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्यूअर्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एक फ्रेश बिगिनिंग और एक फ्रेश टेस्ट का एहसास इसीलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो। आपकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है और आप इंट्यूटिवली इतने ग्रो कर पाओगे कि आप लोगों की वाइब से समझ जाओगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आपको पहले से ही इंट्यूटिव मैसेज मिल जाएंगे, जो आपके दिल में प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, उनके जवाब आपको ड्रीम्स में आपकी इंट्यूशन से मिल जाएंगे, ओके? और आपकी इंट्यूशन से आने वाले होने वाली काफ़ी चीज़ें आपको समझ में पहले ही आ जाया करेंगी क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना स्टार्ट कर लोगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जितना आप लोगों पर ट्रस्ट करते थे, लोग आपको बिट्रे कर देते थे, या आपके इनोसेंस का या आपके ट्रस्ट करने का फ़ायदा उठाया गया, आपको धोखा दिया गया, बैक स्टैब किया गया, वही मुझे लग रहा है कि अब आप जब भी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे आगे तो यहाँ पर अब आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। अब आप इमोशनली इतने वल्नरेबल नहीं रहोगे कि कोई आए आपका भरोसा जीते, आपको बेवकूफ़ बनाए और फिर लटका कर चला जाए, ऐसे ही बीच में कोई ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर अब आप मुझे इमोशनली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। ये जो मून होता है व्यूअर्स, ये इमोशंस का बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है और हाई प्रीस्टेस के पैरों में होता है मून। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी इमोशनली स्टेबल होती है, यानी कि ठीक है इमोशंस हैं, उनको रखना है, इमोशंस के बिना काम नहीं होता, लेकिन इमोशंस को सर पे सवार होके नहीं रखना है, ओके? तो इमोशनल ना होना पर इमोशंस को कैरी करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके?
तो यहाँ आप इमोशनली काफी स्ट्रांग होने वाले हो, काफी ज्यादा इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल होने वाले हो अपकमिंग डेज में। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो भी आपके अंदर पेन था, तकलीफ था, दर्द था, वो कहीं ना कहीं आप दूसरों को मदद करने में अपने आप को हील कर लोगे। जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए आगे सिचुएशंस को डील करने के लिए, पुरानी बातों से मूव ऑन करने के लिए, जो आपको स्ट्रेंथ करेज की ज़रूरत है, जो मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो आपको दूसरों की हेल्प करके, दूसरों की हीलिंग करके मिलेगा। मान लीजिए, चलिए सपोज मी, मैं आज दुख में हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मैं किसी और को हेल्प कर दूँ, किसी और की मदद कर दूँ, कोई अगर भूखा है तो उसे खाना दे दें, कि किसी और को और कोई तकलीफ है तो उसकी वैसे मदद कर दें, और चलिए पैसे से नहीं, तो अगर कोई पेन में हमको दिख रहा है तो उसके लिए चलो प्रे कर लें आज की यूनिवर्स, मेरा तो अच्छा हो ना हो, मेरा भला हो ना हो, आप इनका अच्छा कर दीजिए। तो आप धीरे 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 अपने आप हील महसूस करेंगे, अपने आप एक ठंडक महसूस करेंगे, एक हीलिंग वाइब आपके आपको ना चारों तरफ महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जब आप सबके लिए मानते हैं तब आप अपने आप में लिमिटलेस हो जाते हैं, और जब आप लिमिटलेस हो जाते हैं तो फिर कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं करती है, इसीलिए आप हील हो जाते हैं। इट्स अ गुड एडवाइस आई थिंक फॉर यू व्यूअर्स, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को बोला है कि आपको इमोशनली स्टेबल होना है, और लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं मैम इमोशनली स्टेबल होते कैसे, सब कहते हैं इमोशनली स्टेबल हो जाइए, पर होना कैसे है? मैं बताती हूँ कैसे होना है, अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, जब आप किसी के लिए मांगते हैं तो बहुत सारे समय पर ऐसा होता है कि हम अपने लिए मांगते हैं कि यूनिवर्स मुझे जॉब दे दीजिए, या मुझे मेरे पर्सन से वापस मिलवा दीजिए, या मुझे प्रमोशन दीजिए, या समथिंग एल्स। या फिर अगर हम अच्छे और ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझ रहे होते हैं तो हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए सब कर दीजिए यूनिवर्स, ओके डिवाइन आप इनको सब दे दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा आप अगर आप अच्छे हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, इन सब की भी ग्रोथ होनी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को भी आगे बढ़ाओ, ओके ये सब। तो कहीं ना कहीं इतना करके भी हम कहते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, क्योंकि आपका जो इमोशन है, आपके अंदर जो केयर एंड अफेक्शन है, वो किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए निकल के आता है, और मैं कहूँ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए निकल के आता है। अब चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल आपकी फैमिली है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो ये केयर है, ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल के लिए निकल के आती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो भी जीव है, जो भी व्यक्ति है, जो भी जान है, यानी कि जो लाइफ है प्लैनेट पर, वहां पर कोई भी तकलीफ में ना रहे, जो जैसा डिजर्व करता है उसे जरूर दीजिए, सबके दुखों को खत्म कर दीजिए, ओके सबको खुशियां दे दीजिए, हो सके तो मेरी खुशियां लेकर उन्हें दे दीजिए, उनको अच्छा जीवन दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छा खान पान दीजिए। और जब आप सबके लिए मांगते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी सिलेक्शन, कि आपने ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट किया फिर उनके लिए मांगा, नहीं, आप जब सबके लिए मांगते हैं देन आप लिमिटलेस हो जाते हैं, और फिर आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो प्यार है वो पृथ्वी पर रहते हर जीव के लिए है, इसीलिए आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आपका जो इमोशन है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल के लिए निकल के नहीं आता, ठीक है। जितनी वैल्यू आपके ब्रदर की है उतनी ही वैल्यू सड़क पर खड़े एक लड़के की भी है जिसको आप नहीं जानते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसी को स्पिरिचुअल होना कहते हैं, जब हम अपना तेरा मेरा में भेद करना कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, ओके। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली स्टेबल होने की तरफ जाओगे, ओके उस डायरेक्शन को चूज करोगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि दूसरों की हेल्प करके आप अपने आप को हील करना शुरू करोगे, दूसरों के लिए प्रे करके, दूसरों के काम आके आप अपने आप को हील करोगे। और मुझे लग रहा है यहाँ पर अब आपकी लाइफ में जो भी इंसान आपको रोकने की कोशिश करेगा, जो भी आपकी लाइफ में हर्डल पैदा करेगा या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इश्यूज क्रिएट करेगा, वहां पर आप टफ फाइट देने वाले हो। अब टफ फाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स करने वाले हो, टफ फाइट मतलब आप पीछे नहीं हटोगे, इश्यूज कोई भी आ जाए, प्रॉब्लम्स कोई भी आ जाए, पीछे नहीं हटोगे आप। क्यों? क्योंकि अब आप मोटिवेटेड हो, अब आप हील हो चुके हो, अब कोई आपको झुका नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन द एबिलिटी टू क्रॉस द हर्डल, ओके द एबिलिटी टू क्रॉस द हर्डल एंड दिस एबिलिटी इज प्रीशियस बिकॉज यू हैव दिस एबिलिटी टू क्रॉस द हर्डल,
जितनी भी हर्डल्स हैं, व्हेन यू आर एम्पावर्ड इनफ और यू आर यू नो इनकरेज इनफ टू क्रॉस एनी हर्डल, टू क्रॉस एनी रिवर दैट कम्स नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा, आप सब फेस करोगे और हंसते हंसते फेस करोगे, और आप ऐसे कहोगे कि अगर बीच में रास्ते में यू नो हर्डल्स नहीं आए तो फिर मजा क्या रहा। तो यहाँ पर आप इंजॉय करने वाले हो इस एडवेंचर को भी। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आने वाले वक्त में आप काफी ट्रैवल भी कर सकते हो थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, या फिर कोई सेलिब्रेशन में जा सकते हो ट्रैवल करके, या कोई वेकेशन में एक दो दिन के लिए यहाँ वहाँ चले गए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए भी जा सकते हो। पर काफी लोगों के लिए मुझे अपकमिंग ट्रैवल दिख रहा है, ओके, या फिर आप काफी सारे काम जो करना चाह रहे थे कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ये क्लासेस ज्वाइन करूंगा, या मैं वो करूंगी, मुझे वो बुक पढ़नी है, या मुझे ऐसा करना है, या मुझे उस चीज पर ध्यान देना है, या वैसा करना है, पर करते नहीं थे, समहाउ बिजी होते थे या पूरा दिन आलस में गुजार देते थे। लेकिन अब आप करेंगे क्योंकि आपको जो रिफ्रेश फील होगा वो आपके हरकतों में दिखेगा, आपके एक्शंस में दिखेगा, हरकतें नहीं एक्शंस में दिखेगा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, ओवरऑल एनर्जी जो टू ऑफ कप्स की आई है, ये चेरी ऑन द केक है, ये चेरी ऑन द केक का काम कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इतनी हील हो जाओगे तो आपको ट्रू लव मिल जाएगा, आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिससे आप जितना प्यार करोगे उतना ही वो भी आपसे प्यार करेगा। यहाँ कोई बैक स्टैबिंग नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई बिट्रेयल नहीं होगा, होगा तो सिर्फ म्यूचुअल लव, जहाँ दोनों तरफा प्यार बराबर होगा, ओके व्यूअर्स, ब्यूटिफुल। चलिए मैं कुछ कार्ड्स और लेती हूँ। हो सकता है व्यूअर्स आपका जन्म अगस्त में हुआ हो, मई में हुआ हो, फरवरी में हुआ हो, जुलाई में हुआ हो, अक्टूबर में हुआ हो, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका जन्म हुआ हो सकता है, या आपकी बर्थ डेट जो है 10 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख लग रही है मुझे, ओके, काफी सारी डेट्स आ गई, बट क्या करूं, मुझे सब यहाँ पर ऐसा लगा मुझे कि ये डेट्स हैं। अगर ये नहीं भी है डेट्स तो कोई बात नहीं है, स्टिल ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है, ओके। व्हाट वी हैव हियर, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का मतलब ये है व्यूअर्स, जो एनर्जी अब तक कॉन्स्टेंट थी, स्टक थी, स्टेबल थी, रुकी हुई थी, ठहराव था, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी, ना आगे बढ़ रहे थे ना पीछे जा रहे थे, यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो आपकी एनर्जी है वो मोमेंटम गेन करेगी, यानी कि प्रिपेयर हो जाएगी, रेडी हो जाएगी आगे एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हर्डल्स क्रॉस करने के लिए भी एक्शन लेने वाले हैं, ट्रैवल करने के लिए भी एक्शन लेने वाले हैं, जो काम बहुत समय से करने की सोची थी उसके लिए भी एक्शन लेने वाले हैं, और तो और लोगों की हेल्प करने के लिए भी एक्शन लेने वाले हैं, और स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए भी आप ही एक्शन लेने वाले हैं। व्यूअर्स, कोई भी हीलर, कोई भी टैरो रीडर, या कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा मोटिवेटर या हीलर क्यों ना हो, वो तब तक आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक आप ना ठान लें कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, आप जानते हैं कि आप ठीक हैं, तो आपको मेरे यू नो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी और हीलर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यू नो यू आर हैप्पी एंड दैट्स इनफ, यू नो यू आर अलाइव, ओके, सो दैट्स इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ, ओके, तो खुश रहिए। आपकी जो एनर्जी है वो मोमेंटम गेन कर रही है, प्रिपेयर हो रहे हैं, ओके, जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ की तैयारी करता है, उड़ान भरने वाले हैं आप, आई कैन सी द वर्ड्स अनहैप्पी फॉर यू। चलिए यहाँ पर एक कार्ड वाले, ये जो स्लिप होते हैं ना कार्ड, ये मेरी ही प्रॉब्लम है व्यूअर्स, बिकॉज आई हैव शॉर्ट हैंड्स एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शफल दीज कार्ड, जो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, थोड़े भी, बिकॉज आई हैव शॉर्ट हैंड्स। ओके, नाउ लेट मी पिक वन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नाइस, गुड, अच्छी सलाह है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप पास्ट को डिग कर रहे हैं बैठे बैठे कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो वो चले जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, वो बातें नहीं होंगी, या वो कैलॉट कर नहीं आएंगे, मैं क्या करूँ, मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, मैं उनसे क्यों मिला था, वो क्यों आए थे, या ऐसा क्यों हुआ था, मुझसे क्या गलती हुई थी, ये काश वैसा हो जाता, वैसा हो जाता, अगर आप पास्ट को डिग कर रहे हैं ना, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन से फिर कुछ निकलने वाला नहीं है, आपको मूव करना पड़ेगा आगे, योर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आप टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहे हैं,
एक्शन में आने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और ये समय बिल्कुल नहीं है कि आप पास्ट को डिग करें. डोंट डिग द पास्ट, ओके, बी इन द प्रेजेंट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, बी हैप्पी इन द मोमेंट व्यूअर्स. यहाँ पर अगर आप पास्ट को डिग कर रहे हैं, इट्स अ बिग नो, डोंट डू दैट, स्टॉप देयर. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं. आई होप आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए रीडिंग को लेकर, और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ आप सबसे पहले उसको देख पाएं. सबसे पहले आप उसे देखिए, मैं चाहती हूँ. और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच. बाय बाय.